नमस्ते दर्शकों से सबका दिल जीतने वाली सारा अली खान, जिन्हें बॉलीवुड या फिर कहूं बी टाउन की नवाबजादी भी कहा जाता है, आजकल काफी खबरों में बनी हुई है। अभी रिसेंटली उनकी एक फिल्म गैसलाइट भी रिलीज हुई है। गैसलाइट के लिए सारा कई जगह अपने प्रमोशंस करती हुई भी नजर आई। यूजुअली अपने चुलबुले नेचर के लिए जाने जाने वाली सारा अली खान अपनी डेटिंग लाइफ को लेकर भी अक्सर हॉट टॉपिक बनी रहती है। कभी कार्तिक आर्यन को डेट कर चुकी सारा अली खान माना जाता है कि आजकल सिंगल है, लेकिन अब उन्होंने फिलहाल अपनी शादी को लेकर भी कुछ ना कुछ बात कर दी है। सारा अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए ही शहनाज गिल के चैट शो देसी वाइब्स विद शहनाज गिल में पहुंची थी। इस दौरान शहनाज ने सारा से कई मजेदार सवाल भी पूछे, जिसके उन्होंने काफी इंटरेस्टिंग जवाब भी दिए। इस दौरान 27 इयर्स की सारा अली खान ने इस बात पर भी खुलासा कर दिया है कि वो शादी फाइनली कब करने वाली है। देसी वाइब्स विद शहनाज गिल में शहनाज ने सारा से पूछा कि उनका शादी का आखिर क्या प्लान है। इस पर उन्होंने कहा कि अभी तक तो नहीं है, ढूंढना पड़ेगा किसी अंधे पागल को जो मुझसे शादी कर ले, उसी को ढूंढ रही हूँ फिलहाल मैं। शहनाज ने उसके बाद उनसे पूछा कि अंधा पागल ही क्यों, तो इस पर सारा अली खान ने कहा कि मुझे लगता है कि अंधा पागल होना जरूरी है, क्योंकि अगर उसके पास दिमाग होगा और वो मुझे पहचान लेगा तो भाग नहीं जाएगा, इसलिए मुझे झेलने वाला चाहिए। इस जवाब के बाद शहनाज ने भी सारा अली खान को कहा कि वो बिल्कुल उनकी तरह ही है। शहनाज गिल ने सारा अली खान से उनकी शाही परवरिश के बारे में भी यहाँ पर बात की। जैसे कि शहनाज गिल ने पूछा कि क्या नवाब महलों के आसपास दर्जनों हेल्पर्स रहते हैं, यहाँ तक कि वहाँ पर क्या फूलों का एक पूल भी होता है। इसके ऊपर सारा अली खान ने कहा कि उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं देखा है। शहनाज गिल के साथ सारा की ये चैट वैसे काफी मजेदार है, जिसे आप भी अभी जाकर देख सकते हो। अगर यहाँ पर सारा अली खान के वर्क फ्रंट की बात करें, तो सारा अली खान की गैस लाइट 31 मार्च को अभी रिलीज हुई है हॉटस्टार पर, जिसे लोगों ने काफी पसंद भी किया है। फिल्म में सारा के अलावा चित्रांगदा सिंह और विक्रांत बैसे भी लीड रोल में नजर आए हैं। आपको बता दें कि गैसलाइट के अलावा सारा अली खान जरा हट के जरा बच के, ए वतन मेरे वतन और मेट्रो इन दिनों जैसी फिल्मों में भी नजर आने वाली है। बाकी गाइस अभी के लिए इतना ही, मैं तो नाक्षी कालरा जल्द ही मिलूंगी आपसे किसी और एंटरटेनमेंट अपडेट के साथ। लेकिन सारा अली खान के ये अंधे लूले टाइप के कॉमेंट के बारे में आपका क्या कहना है, मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।